ये 3,17,500 का जो स्टॉक पड़ा है, बता रहा है कि शर्ट का कपड़ा पड़ा है 1500 मिनट मिनट और 90 रुपये के हिसाब से 1,35,000 का, और पेंट का कपड़ा पड़ा है 1200 और 120 के हिसाब से 1,44,000। ये सारा टोटल बताएगा सर इस तरह से, और जो ऊपर 16,50,000 था उसका भी बताएगा। ये एच के बख्श से जो है ना वो हमने 5,50,000 लेना है, रियाज एंड सन से 6,00,000 लेना है, अख्तर एंड सन से 2,00,000 लेना है और शेख अनायतुल्ला से 3,00,000। ठीक है, इसी तरह जिनके पैसे देने हैं जो ये थे क्रेडिटर्स एंड अकाउंट पेबल, जिनसे आपने उधार में माल खरीदा होगा, ये हाँ जी 10,42,500 उसकी भी डिटेल दी बनाइए। देखिए सप्लायर्स या वेंडर्स, के एल मुमताज़ का मैंने 2,70,000 देना है, मिस्टर अली का 2,77,500 देना है, सितारा टेक्सटाइल का 4,95,000 देना है। तो ये टोटल हो गया। ठीक है, अब आपने इसको कंप्यूटराइज कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये लिख लें, हाउ टू क्रिएट वेंडर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वैसे देख के कर सकते हो देख के कर लो, वरना पीसी में आप लोगों ने लिखा हुआ है ना पिछले, लिख लो लिख लो, लिखना वेंडर एंड कस्टमर अकाउंट दोनों ही आज बना लेनी है। ठीक है, दोनों ही आज बना लेनी है। अच्छा चलो अब कर लेते हैं वेंडर और कस्टमर। ठीक है, अच्छा पीएचटी में और इसमें मैं साथ डिफरेंस में बताता जाऊंगा आप लोगों को, उस सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या था, इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। पहला तो डिफरेंस कोड का आ गया, वो सॉफ्टवेयर कोडिंग बेस था, उसमें कोई भी आपने अकाउंट बनाना तो सबसे पहले क्या देना पड़ता था, आईडी। वेंडर का बनाया तो V01, कस्टमर का बनाया तो C01, इस तरह इन्वेंट्री का बनाया तो सेल टैक्स का बनाया तो ST0। कोई ना कोई कोड आप देंगे तभी अकाउंट बनेगा, वरना इसमें आपको कोई कोड नहीं देना पड़ेगा, बस नाम लिखो अकाउंट सेव हो जाए। ठीक है, दूसरा प्लस पॉइंट कि उसमें हर अकाउंट के साथ कोई ना कोई आपने लिंक करवाना है, जैसे वेंडर का बना रहे हैं उसके साथ परचेज का अकाउंट लिंक होता है, कस्टमर के साथ सेल्स का, इन्वेंट्री के अकाउंट बनाते हैं तो तीन अकाउंट लिंक होते हैं। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं, वो कहता बस नाम लिखो एंटर करो सेव हो गया। ठीक है, ठीक है, ये उससे एडवांस है। एडवांस सॉफ्टवेयर होने का मतलब ये नहीं कि बड़ा मुश्किल है, एडवांस सॉफ्टवेयर होने का मतलब ये है कि इसमें पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज है। ठीक है, ये इजी टू यूज़ है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ठीक है छोड़ो, फिर उसमें हर मेन्यू की ऑप्शन शॉर्ट की जो है वो अलग अलग, यहाँ पे एक ही शॉर्ट की है हर मेन्यू में लग जाएगी, है कि नहीं। जैसे नया अकाउंट बना रहा है तो शॉर्ट की है कंट्रोल एन, क्या लिख लो कंट्रोल एन, नया अकाउंट बनाना है तो कौन सी है कंट्रोल एन, अगर किसी अकाउंट को एडिट करना है तो क्या होगी कंट्रोल ई। ठीक है, ई से एडिट होता है, अगर किसी अकाउंट को डिलीट करना है तो डी से डिलीट होता है। हाँ तो यहाँ पे तो नहीं ना ऐसे, उसमें ऑल प्लस एम प्लस ए फिर प्लस बी फिर प्लस सी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही शॉर्ट की है हर मेन्यू में, यही लग रही। हम बनाने लगे हैं वेंडर का अकाउंट, तो अगर आप मेन्यू से जाना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे हर अकाउंट हर ऑप्शन का मेन्यू अलग अलग है, वहाँ पे सारे अकाउंट मेंटेन में आ रहे थे ऐसे ही। वेंडर पे क्लिक करें और सबसे पहली ऑप्शन है वेंडर सेंटर, इससे चलिए, या ये क्या बना हुआ है वेंडर का बटन बना हुआ है, ये कौन सा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेंडर सेंटर में आ जाएंगे। दोनों लिख लो, लिखने वेंडर में जाएंगे वेंडर सेंटर, या इस वेंडर के बटन पे क्लिक कर दो वेंडर सेंटर में आ। फिर पीएचटी में ये भी डिफरेंस है कि पहले आप अकाउंट बना लेते थे, सारे बना लेते थे, फिर आप लिस्ट के बटन पे क्लिक करके उसकी लिस्ट देखते थे,
यहाँ पे पहले लिस्ट आती है, ये लिस्ट आ रही है अभी खाली है, जब अकाउंट बनाते जाएंगे तो ऐड आती जाएगी। ठीक है, पहले लिस्ट हो, नया अकाउंट बनाना है तो क्या शो की यहीं पे कंट्रोल एंड प्रेस कर। ठीक है, अब ये किसका बना लेंगे, वेंडर का, ये वेंडर है, वेंडर का नाम दे देंगे क्या है, अलमुमताज, अलमुमताज का ओपनिंग बैलेंस कितना है, चलो जानो ले दी, वेंडर का नेम दिया, उसका ओपनिंग बैलेंस दे दिया और यहाँ पे डेट बता दी किस डेट का बैलेंस है, ये किस डेट का बैलेंस है, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई बैलेंस देते वक्त आप लोगों ने बड़े ध्यान से काम लेना है। ठीक है, कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो फिर बाद में डेट चेंज करना बहुत मुश्किल है और फिर वो आपके रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, कल को अगर ऑडिट ओपन होता है तो पूछेंगे भाई ये क्यों चेंजिंग हुई है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने बैलेंस जो है बड़े ध्यान से देना है। उसका कोई एड्रेस है, कोरंगी है जी, इंडस्ट्रियल एरिया कराची है, तो यहाँ भी आप उसका एड्रेस दे दें। और अगर ये अलमुमताज किसी कंपनी का मुलाजिम है और उस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसका कोई जिप कोड है, जिप कोड दे दें, रीजनल और सारा कुछ बता सकते हैं। अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, उस कंपनी में उसकी क्या डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन बता दो। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, सारी जो जो आपके पास मालूमात है आप दे दें, और अगर नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन में आ जाना है आपने, पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे उसकी क्या दी हुई है, क्रेडिट लिमिट कितनी है, 35 लाख। तो ये क्रेडिट लिमिट की ऑप्शन आ रही है जिसमें आपने 35 लाख लिख देना है, 1-0 हो गया। ठीक है जी, फिर ये क्या दी हुई है, डिस्काउंट टर्म। डिस्काउंट टर्म पता क्या होती है, डिस्काउंट टर्म, डिस्काउंट टर्म दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ओवर से नीचे वाले होते हैं ये क्या होते हैं, डेज, ये डेज हैं, जिसे आप बटा कहते हैं, जिसे आप स्लैश कह लो या ओवर कह लो। ठीक है, इससे नीचे वाले डेज होते हैं, इससे ऊपर वाला डिस्काउंट परसेंटेज होती है। जैसे ये 30 का मतलब है 30 दिन का आपके पास ड्यूरेशन है, महीने का उधार है जिसमें आपको नो डिस्काउंट है, अगर आप महीने बाद पेमेंट करते हो तो आपको किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 7 डेज में पेमेंट कर देते हो तो कितना डिस्काउंट होगा, 10% डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा तो इसमें जो है ना वो डिस्काउंट हम आप खुद ही बनानी है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसको क्या कर लेना है, अच्छा पीएचडी में आपको इस तरह से बनी बनाई नहीं देते है ना। ठीक है, इसमें आपको बनी बनाई भी मिल जाती है, लेकिन अगर आपकी मर्जी की नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने वो नाम लिख देना डिस्काउंट टर्म का, ये नाम आ गया। फिर आपने बता देना डिस्काउंट, नेट ड्यू का मतलब है टोटल ड्यूरेशन कितनी है जिसमें डिस्काउंट नहीं है। फिर डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 10, और डिस्काउंट कितने दिनों में होगा। ठीक है, डिस्काउंट इफ पेड विद इन 7 डेज, और ओके कर दोगे डिस्काउंट हम ऐड होगी। बस कुछ नहीं करना, ओके का बटन प्रेस करो, ये आपके पास वेंडर आपका ऐड होगा। दूसरी बात, इसमें एंटर का बटन ही आपने दबाना है, एंटर वाला जो होता है ना, एंटर लिखा हुआ है, एंटर का बटन ही दबाना है। एंटर का बटन का मतलब है कि सेव कर दो, पिछली में तो ये नहीं था, वो नेक्स्ट मूव के लिए एंटर दबाते थे ना, इसमें जो है वो आप एंटर का बटन दबाएंगे, जो भी आपकी विंडो खुली होगी, ये काम हुआ नहीं हुआ वो सेव कर देगा उसको। तो एंटर का बटन आप लोगों ने बहुत ध्यान से प्रेस करना, क्लियर है। अब इसमें एक और बड़ी मजे की ऑप्शन है जो पीएचडी में नहीं है, कि आप एक ही बार में सारे अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, क्या है, ये पीएचडी में आप इसको ओपन करेंगे, ये देखिए कितनी खतरनाक विंडो ओपन होगी, समझ ही नहीं आ रही है, ये देखिए है ना, है
केक ले ले सकते हैं। देखिए अभी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कस्टमाइज कर लें इसको, क्या कर लें, जो जो आपके पास ऑप्शन यानी आपके पास डाटा अवेलेबल है सिर्फ उसी के मुताबिक कॉलम डिज़ाइन कर लें। मिसाल के तो मुझे कंपनी बंदे का नाम चाहिए, बाकी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मिस्टर मिसिस को भी रिमूव कर देता हूँ, लास्ट नेम फोन नंबर फैक्स ठीक है, एड्रेस वन रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे बैलेंस ओपनिंग डेट भी चाहिए, उसको ऐड कर लेता हूँ, और वेंडर का बैलेंस भी चाहिए उसको भी ऐड कर लेता हूँ, और वेंडर का एड्रेस ऐड हो गया ठीक है। उसके साथ मुझे उसकी क्रेडिट लिमिट भी चाहिए, ऐड कर लेते हैं, और साथ डिस्काउंट टर्म भी चाहिए वो भी ऐड कर लेते हैं। जो जो आपके पास डाटा है वो बस कर लें और ओके कर लें। हमारे पास भी तो इस तरह से डाटा, हमने वही कॉलम को लगा लिया, ये देखिए ठीक है, ये इसका एड्रेस आ रहा है, ये उसका ओपनिंग बैलेंस डेट है, और ये यहाँ पे। अब हम जल्दी से देखें यहाँ पे ये क्या हो गया, मिस्टर अली यहाँ पे लिख देंगे, मिस्टर अली मालूम तो बताएंगे ना, और क्या वो हमें जो है वो हमारी आंखों से थोड़ी पड़ लेगा। अच्छा 277755 फिर क्या है इसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, 42 लाख 42। और फिर इसके साथ इसकी डिस्काउंट हम है और नहीं बना रहे इसको, यहाँ पे जाए ऐड न्यू पे 30 है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, और डिस्काउंट कितने दिनों में, चलो दूसरे वाले को ऐड कर लेते हैं, सितारा टेक्सटाइल, सितारा आ गया, साइट एरिया कराची है, क्या नहीं वो देना है तो वो फिर एडिट कर लेना ना उसको। इस वक्त अगर हमें क्योंकि जल्दी काम करना है तो हम इसको मल्टीपल में कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बाद में भी तो एडिट कर सकते हैं। सारे ऐड होने के बाद क्या कर दो, ठीक है, एक आपने पहले बनाया था वो कहता है मजीद 2 जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये देखिए सर एंटर से भी कर सकते हैं, हाँ एंटर से भी कर सकते हैं। अब आपको किसी की मालूमात चेंज करनी है तो कंट्रोल की कोई भी इसके बारे में चेंज करना है वो चेंज कर लो, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, कोई भी डिटेल दिए बिना, डिटेल बाद में दे लेंगे। बताओ पहला कस्टमर कौन है, एच के बख्श, इसका कितना बैलेंस है, छोड़ दो बस बैलेंस बताओ, बैलेंस कितना है, 50,000 डेट क्या है, ओके दूसरा बताओ, नहीं वो अभी वो आप लोगों ने किया होगा ना, ये तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। रियाज अंसान का कितना बैलेंस है, 6,000 आप लोगों ने करना होगा, ये तो हम क्योंकि आगे वो एडजस्टमेंट है इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अख्तर कितना है,
और भी है, शेख लिख देते हैं यहाँ 30 लाख। ठीक है,